और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से सीधे इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एनसीबी की हिरासत में एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट अभिनेता एजाज खान को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई जारी है। हालांकि आपको ये बता दें कि एनसीबी लगातार ड्रग्स केस में कार्रवाई कर रही है। ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एजाज खान को राजस्थान से मुंबई लौटते ही हिरासत में ले लिया गया है। एक्स कंटेस्टेंट हैं एजाज खान बिग बॉस के, तो मुंबई में ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से सामने आई है। एनसीबी की हिरासत में एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट एजाज खान, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, हिरासत में एनसीबी ने ले लिया है। कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिन पर एनसीबी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई अभिनेता पर। यह मामला अब से नहीं बल्कि सुशांत केस से शुरू हुआ था, जो कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एजाज खान को राजस्थान से मुंबई लौटते वक्त एनसीबी ने हिरासत में लिया, तो ये सुशांत सिंह केस से मामला शुरू हुआ था ड्रग्स को लेकर, जो कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एनसीबी के रडार पर कई अभिनेता आए, कई अभिनेत्रियां आईं, जिनसे लंबे समय तक पूछताछ भी हुई। कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे सामने आए, कई ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आए ड्रग्स केस में जो कि शामिल थे। और अब एक बार फिर से एक और नाम सामने आया है फिल्म इंडस्ट्री से। बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ी कार्रवाई एनसीबी की देखने को मिली है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बड़ी कार्रवाई, एजाज खान को गिरफ्तार किया गया है, एनसीबी की कार्रवाई। जी काजल, देखिए जिस तरह से पिछले दिनों शादाब बटाटा वाले की गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान एनसीबी ने कड़ी पूछताछ की। उस पूछताछ के दौरान एजाज खान का नाम लिया गया था। हालांकि इस वक्त जो है एजाज खान मुंबई में नहीं थे, वो जयपुर में थे। यही वजह है कि एनसीबी उनका इंतजार कर रही थी। जिस तरह से एनसीबी को यह जानकारी मिली, एक इनपुट मिला था कि एजाज खान जो है आज जयपुर से मुंबई आने वाली, इस दौरान एनसीबी की एक टीम जो है मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद थी। जैसे ही एजाज खान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, उनको तुरंत जो है हिरासत में ले लिया गया। एनसीबी द्वारा जानकारी मिल रही है कि उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद शायद आज देर शाम उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। फिलहाल उनको हिरासत में ले लिया गया, इस तरह की जानकारी एनसीबी ने अभी भी दिया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एजाज खान की गिरफ्तारी हो गई, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।